फिर उसके बाद जो है वो एसेंशियल जो जो कंक्रीट जो यूज़ केसेस होते हैं उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि वो जो है वो उसके अंदर यूआई जो है वो आउट हो, वो उसके अंदर जो एसेंशियल यूज़ केस जो हैं वो डेफर करें, वो उसको तर्क कर दें, मतरूक कर दें जो डिटेल्स होंगी यूआई की, और फोकस करें जो इंटेंशंस हैं एक्टर्स की, एक्टर्स क्या करना चाह रहा है सर उस पर फोकस करें, और जो यूआई है उसको जो है वो उसकी डिटेल्स को वो डेफर कर दें। फिर एसेंशियल उसमें क्या है कि क्लर्क जो है वो जो कस्टमर्स की आईडी है वो उसके अंदर जो है वो ऐड करें, ये एसेंशियल होगा। जो कंक्रीट या वर्स जो है वो है वो ये है कि क्लर्क जो है उसने कस्टमर की आईडी कार्ड लिया और उसको जो है वो बार कोड को जो क्या नाम है उसका स्कैनर के साथ, बार कोड को लेज़र स्कैनर के साथ उसने जो है वो रीड किया, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है वो जो यूज़ केस राइटिंग की हम जो है कुछ गाइडलाइंस देख देते हैं। उसके अंदर जो है वो जो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को वो एक्टर के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे, और एक्टर जो है वो क्या कर रहा है, कोई इवेंट कर रहा है तो एक्टर, और उसके बाद जो है वो क्या कर रहा है वो एक इवेंट कर रहा है उसके साथ, और जो कस्टम्स है वो कस्टमर है, मिसाल के तौर पर कस्टमर जो है वो आया और उसने जो है वो क्या किया, उसने जो है वीडियो को रेंट जो है पे लेना है, उसने ये काम। पहले हम जो है वो ये लिखेंगे कि उसके जो है वो एसेंशियल चीज़ें फॉर्म जो है वो लिखेंगे, और उसके बाद जो यूआई है उसको हम उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। उसमें जो है वो कैपिटलाइज है, उसके अंदर जो एक्टर नेम्स हैं मतलब क्लर्क की एंट्री हो गई, सिस्टम के आउटपुट्स वगैरह हो गए, तो ये उसके अंदर जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें एक और गाइडलाइन ये है राइटिंग में कि जो टर्स है मतलब मुनासिब जो अल्फाज हैं, ना बहुत ज़्यादा लिखना ना बहुत कम जो लिखना, वो जो है वो अच्छी चीज़ है। जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रीडिंग जो रिक्वायरमेंट हैं उसको वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, और ऐसे वर्ड जो कि नॉइजी वर्ड्स हों, क्लियर ना हो, उनके मीनिंग क्लियर ना हो, ऐसे वर्ड्स को भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है वो एक तो जो है बहुत ज़्यादा बातूनी बनने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। क्लर्क जो है जो एंटर करे वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स एंटर ना करे, मुनासिब से एंटर करे, और जो उसका जो आउटपुट होगा सिस्टम का उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए वहाँ पे जो है वो इतनी ही जो है वो डिटेल कम ना कर दी जाए कि जो कि एक्चुअल चीज़ या जो कि जो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही मिस कर दी जाए। तो क्लर्क जब एंटर करे तो उसमें ना बहुत ज़्यादा जो है वो अपने टारगेटेड होकर करें, इसमें बहुत ज़्यादा उसने जो है वो चीज़ें इंसर्ट कर दी, और ना वो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करें, वो मियाना रवि से काम ले, और सेम सिस्टम आउटपुट का भी जो है कि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही जो है उसके अंदर वो इतनी डिटेल कम कर दी जाए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही मिस हो जाए, ठीक है। कुछ हम स्नैरियोज़ की गाइडलाइन देखते हैं कि उसके जो है मेन स्नैरियो हो, उसके बाद जो अल्टरनेटिव स्नैरियो हो, कि अगर वो मेन स्नैरियो जो है उसमें जो है कुछ और वे है, उसका कुछ और तरीकाकार है जिसके ज़रिए वो गोल जो है वो हम जो है वो हासिल करें, वो उसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। फिर एक्सेप्शनल स्नैरियो है कि जब जो है उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो गड़बड़ हो जाए, हमारा जो आइडियल स्नैरियो था या हमारा जो अल्टरनेट स्नैरियो था उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, तो उसमें जैसे हमने एक बात की कि उसमें सिस्टम क्रैश हो गया, तो ये जो है वो हमारा ना अल्टरनेट स्नैरियो है ना हमारा मेन स्नैरियो है, तो ये एक एक्सेप्शन आ गई, तो उसके अंदर जो है वो सिस्टम की रिकवरी हो गई और उसको जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं। फेलियर स्नैरियो हो गया कि जब उसमें हम कुछ जो है वो रिकवर नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शन स्नैरियो आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो एनफी लॉर्मन है, उसके अंदर जो फेलियर जो हो स्नैरियो होगा वो जो है वो एक्सेप्शनल स्नैरियो होगा, ठीक। जो यूज़ केसेस होते हैं वो एक जो है वो स्टोरीज़ की तरह होते हैं, कि वो एक जो सादा और जो फेमिलियर किस्म का मॉडल होता है वो ऐसा होता है कि उसके अंदर ऐसी स्टोरी हो जो कि नॉन टेक्निकल बंदा जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की जाए जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके। जैसे यहाँ पे जो है वो आप एक डायलॉग बॉक्स के ज़रिए डायलॉग के ज़रिए एक स्टोरी सी जो है वो शो की गई है दो पर्सन के दरमियान में, कि किस तरह जो है वो उसने जो है वो एक इस टाउन को जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जो है वो क्रॉस करना है। तो इस ये जो है वो कंप्रिहेंसिव और फेमिलियर किस्म की ये टेक्निक है। अब हम जो है वो कंक्रीट यूज़ केसेस की बात करते हैं, कि बाज़ बात ये है कि इस तरह का केस होता है कि जो है वो जब एसेंशियल फॉर्म जो है उसको हम के बाद जो है जो यूज़ केस यूज़ कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो कोई कंक्रीट फॉर्म आ जाती है, जैसे कस्टमर जो है वो चेकआउट पे आया और उसने जो है वीडियो गेम या जो है वो वीडियो उसको उसने रेंट किया, क्लर्क ने जो है कस्टमर की आईडी को
जो है वो स्कैन किया, तो अब क्या हो सकता है, इसमें एक्सेप्शन ये हो सकती है कि वो स्कैनर जो है वो फेल हो गया उसकी आइडेंटिटी को जो है वो स्कैन करने में, और फिर जो क्लर्क है वो कीबोर्ड के ज़रिए जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए जो है उसकी आईडी को मैन्युअली जो है वो एंटर करता है। ये इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई कि हम जो है एक्चुअली यूज़ कर रहे थे स्कैनर यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ स्कैनर चूँकि फेल हो गया तो फिर उसने जो क्लर्क है उसने जो है मैनुअल एंट्री इसके अंदर जो है वो एंट्री की। तो ये कुछ जो थी हमारी जो है वो गाइडलाइंस थी जो कि यूज़ केस के इतबार से थी। तो जो है वो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ।